हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज के वीडियो में मैंने क्रिएट किया है ये बहुत ही ब्यूटीफुल रेड एंड ग्रीन आई मेकअप लुक। फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो आप इस मेकअप लुक को अपकमिंग रक्षाबंधन या तीज पर क्रिएट कर सकते हैं। ये मेकअप लुक मैंने बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ बहुत आसानी से क्रिएट किया है, तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ मॉइस्चराइजर। मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का पीच मिल्क मॉइस्चराइजर। कोई भी मेकअप करने से पहले आपको अपनी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करना होता है, नहीं तो आपका फाउंडेशन केकी लगेगा। तो मेक श्योर कि आप अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करें। मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद मैं अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर। प्राइमर के लिए मैंने यूज़ किया है ब्लू हेवन का प्राइमर। आप चाहें तो आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइट का लिक्विड फाउंडेशन। ये फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा लिक्विडी है, काफ़ी ज़्यादा ये रनी कंसिस्टेंसी है इसकी। तो सबसे पहले मैं जल्दी से इसे अपने फेस पर अपनी फिंगर की हेल्प से स्प्रेड कर लेती हूँ। ये फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, ये सिर्फ 160 रुपीज़ का आता है और ये काफ़ी ब्यूटीफुली ब्लेंड हो रहा है। जल्दी ही इस फाउंडेशन का रिव्यू भी मैं अपने चैनल पर शेयर करने वाली हूँ, तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैंने इस फाउंडेशन को अपनी फिंगर की हेल्प से अपने पूरे चेहरे पर स्प्रेड कर लिया है और अब मैं एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहें तो अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए किसी फाउंडेशन ब्रश का यूज़ भी कर सकते हैं। ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करने से आपके फेस पर अगर एक्स्ट्रा फाउंडेशन होता है तो ब्यूटी ब्लेंडर उसे सोक कर लेता है और काफ़ी अच्छी फिनिश देता है। इसके बाद मैं अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ लिक्विड कंसीलर। मैं यूज़ कर रही हूँ अनवाइडो का कंसीलर। ये कंसीलर भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है और बहुत ब्यूटीफुली ये ब्लेंड हो जाता है। मेरे कोई अंडर आइज डार्क सर्कल्स नहीं है, तो मैं सिर्फ अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए बहुत थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपकी स्किन पर डार्क स्पॉट्स हैं या फिर आपके अंडर आइज पर डार्क सर्कल्स हैं, तो आप उनको हाइड करने के लिए अपनी स्किन टोन से मैच करता हुआ कंसीलर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। मेरा कंसीलर क्रीज ना करे, वो फाइन लाइंस में सेटल डाउन ना हो जाए, तो इसलिए अपने कंसीलर को सेट करने के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ लूज पाउडर। सेम ब्यूटी ब्लेंडर के ऊपर मैंने थोड़ा सा लूज पाउडर ले लिया है और इसे मैं अपने फेस के उन एरियाज पर अप्लाई कर रही हूँ जहाँ पर भी मैंने लिक्विड कंसीलर अप्लाई किया था। इसके बाद आई मेकअप शुरू करने से पहले मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर रही हूँ। आईब्रोज फिल करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ डार्क ग्रे कलर का आईब्रो पाउडर। एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से मैं छोटे छोटे स्ट्रोक्स देते हुए अपनी आईब्रोज को फिल इन कर लूँगी। आप चाहें तो अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से अपनी आईब्रोज को फिल करने के लिए जेल आईलाइनर या फिर आईब्रो पोमेड या फिर आईब्रो पेंसिल का यूज़ भी कर सकते हैं। आई मेकअप के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ SFR का आई शैडो पैलेट। इस पैलेट में से मैंने लिया है लाइट ग्रीन आई शैडो और इसे मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अपनी क्रीज लाइन के ऊपर बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद मैंने लिया है ये ब्यूटीफुल सा रेड आई शैडो और इसे मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से डैबिंग मोशन में अपनी पूरी आईलिड के ऊपर अप्लाई कर लूँगी। ध्यान रहे कि आपको इसे डैब डैब करके अप्लाई करना है। इसे अप्लाई करने के बाद मैंने एक पेंसिल ब्रश पर डार्क ग्रीन आई शेडो लिया है और इसे मैं अपने आउटर कॉर्नर पर प्लेस करते हुए अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और जो भी लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट ब्रश पर बचा है उसे मैं अपनी क्रीज लाइन पर अप्लाई कर लूँगी। इसके बाद मैंने लिया है सबसे पहला वाला लाइट ग्रीन आई शेडो और सेम ब्रश की हेल्प से मैं इसे अपनी क्रीज लाइन पर एक बार फिर से ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइन्स ना रहे। इसके बाद मैंने लिया है गोल्डन कलर का शिमरी आईलाइनर और इसे मैं अपनी आईलिड के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, अपनी क्रीज लाइन के ऊपर। जैसे आईलाइनर अप्लाई करते हैं बस इसे क्रीज लाइन पर अप्लाई करना है। इसके बाद मैंने लिया है NYB का मोटा वाला काजल और इसे मैं अपनी आईज पर अप्लाई कर रही हूँ एज अ आईलाइनर। इसके बाद मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपने आईलाइनर के ऊपर थोड़ा सा ब्लैक आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ ताकि ये अच्छे मेरा आईलाइनर अच्छे से सेट हो जाए, स्मज ना करे।
इसके बाद मैं अपने फेस पर से सारा एक्सेस पाउडर रिमूव कर दूंगी और इसी फेस पाउडर से अपने पूरे मेकअप को सेट कर लूंगी। आप चाहें तो यहाँ पर कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने लिया है वेट एंड वाइल्ड का हाईलाइट एंड कंटूर पैलेट और इसमें से कंटूरिंग शेड लेकर मैं एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से अपने फेस की पाउडर कंटूरिंग कर लूँगी। अगर आपके पास ये पैलेट नहीं है तो आप किसी भी डार्क ब्राउन कलर के आई शेडो को एज अ कंटूर पाउडर यूज़ कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो आप क्रीम कंटूर भी कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले मैंने फॉल्स आई लैशेज और मस्कारा अप्लाई कर लिया था, वो मैं आपको बताना भूल गई थी। इसके बाद मैं अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी ब्लश। ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ SFR का ब्लश। ये ब्लश मेरा काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है और ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है और काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड भी है। इसके बाद मैंने लिया है शुगर का काजल और इसे मैं अपनी अपर एंड लोअर वाटरलाइन पर अप्लाई कर लूँगी। इसके बाद सेम डार्क ग्रीन आई शेडो मैं एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से अपनी लोअर लैश लाइन पर भी स्मज कर लूँगी। इसके बाद मैं अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी हाइलाइटर। हाइलाइटर के लिए मैंने यूज़ किया है सिवाना का शाइनिंग स्टार शिमर ब्रिक हाइलाइटर और एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं इसे अपने फेस के हाईएस्ट पॉइंट्स पर अप्लाई कर लूँगी, जैसे फोरहेड, ब्रिज ऑफ द नोज, चीक बोन्स और अपने क्यूपिड्स बो पर। इसी हाइलाइटर को मैं एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से अपने इनर कॉर्नर्स पर अप्लाई कर लूँगी और इसी से अपनी ब्रो बोन को भी हाईलाइट कर लूँगी। इसके बाद मैंने अपने लिप्स की आउटलाइन बना ली है और अब मैं अप्लाई कर रही हूँ कलर बार की रेड लिपस्टिक। ये लिपस्टिक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इसका शेड नेम और नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। और लास्ट में मैं अपने मेकअप को सेट कर रही हूँ प्लम के फेस मिस्ट से। इसके बाद मैंने अपनी रेड और ग्रीन साड़ी से मैच करती हुई ज्वेलरी पहन ली है और मैचिंग बैंगल्स भी पहन ली है। साड़ी से मैच करती हुई छोटी सी रेड कलर की बिंदी भी अप्लाई कर ली है और बालों की चोटी बांधी है। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप कि आपको आज का मेरा ये फेस्टिव मेकअप लुक पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।